सुप्रभात सभी को। आज हम कक्षा 9 का द्वितीय पाठ लेकर आए हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, जिसका नाम है पाठ लहाशा की ओर। ये पाठ जो है राहुल सांकृतायन द्वारा रचित है। आइए उनके जीवन परिचय पे हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। राहुल सांकृतायन का जन्म 9 अप्रैल सन 1893 में उनके नाना के गांव पंदहा जिला आदमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम गोवर्धन पांडे तथा मां का नाम कुलवंती था। उनका पैतृक गांव कनेला था। उनका बचपन का नाम केदार पांडे था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो थी निजामाबाद में पूर्ण हुई। बाद में ये काशी और आगरा तथा लाहौर में भी पढ़े। सन 1930 में लंका में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। कौन ने? राहुल सांकृतायन ने। तभी से उनका नाम राहुल सांकृतायन हो गया। राहुल जी बहुभाषाविद थे, अर्थात बहुत सी भाषाओं को जानने वाले थे। उन्होंने हिंदी, संस्कृत, अपभ्रंश, पाली, चीनी, तिब्बती, जापानी और रूसी भाषा, अनेक भाषाओं का उन्हें ज्ञान था। सन 1963 में उनकी मृत्यु हो गई। राहुल महापंडित थे, अर्थात बहुत ज़्यादा जानकार थे, बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने विधिवत शिक्षा ग्रहण किए बिना ही विविध विषयों पर गहन अध्ययन और शोध किया। राहुल सांकृतायन जो थे वो विविध विषयों के ज्ञाता भी थे और पंडित भी थे। उन्होंने अनेक विधाओं का श्रेष्ठ रचना भी की तथा अनेक ग्रंथों जैसे हिंदी भाषा का अनुवाद भी किया। उन्हें बचपन से ही घूमने का शौक भी था। वह घूमने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। भ्रमण के अनुभव के आधार पर ही उनकी रचनाएं यहाँ पर प्रस्तुत हैं। उन्होंने विपुल साहित्य का सृजन भी किया। उन्होंने श्रीलंका, तिब्बत, जापान, सोवियत, भूमि चीन आदि देशों की यात्रा भी की। यदि हम उनकी रचनाओं के बारे में प्रकाश डालें तो मेरी तिब्बत यात्रा पहली उनकी रचना थी, मेरी यूरोप यात्रा, श्रीलंका की यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा और रूस में 25 मास, जापान की यात्रा, घुमक्कड़ शास्त्र, मलेशिया की यात्रा आदि यात्राएं साहित्य की रचना उनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। कहानी संग्रह की यदि हम बात करें तो आपने बोलगा से गंगा और कनेला की कथा, सप्तमी के बच्चे, बहुरंगी, मधुपुरी आदि उत्कृष्ट कहानियों की रचना भी की। यदि हम इनके उपन्यास की बात करें तो जय योधेय देवोदास, सिंह सेनापति, मधुर स्वप्न और जीने के लिए 22वीं सदी, भागो नहीं दुनिया को बदलो इनकी प्रमुख उपन्यास आदि रचनाएं हैं। अब जीवनी एवं आत्मकथा, इन्होंने 150 से ज़्यादा पुस्तकें भी लिखीं। भाषा की यदि बात करें तो राहुल सांकृतायन की जो भाषा थी वो शुद्ध खड़ी बोली थी। शैली की बात करें तो इनकी भाषा सरल और सहज भी थी। सहज होना मतलब सरल थी, सरस थी, जो आसानी से समझ में आ जाए। तथा इनकी भाषा में व्यवहारिक शैली का भी सृजन किया गया है। इनके द्वारा जो पाठ है लहासा की ओर, इस पर यदि हम चर्चा करते हैं तो बहुत सुंदर पाठ है। प्रस्तुत पाठ यात्रा वृतांत राहुल सांकृतायन की प्रथम तिब्बत यात्रा रचना से लिया गया है। सन 1929-30 में यह नेपाल के रास्ते से इन्होंने यात्रा प्रारंभ की थी। भारतीय यात्रियों पर उस समय तिब्बत जो था यात्रा पर प्रतिबंध था। भारतीय मतलब जो थे वह तिब्बत यात्रा नहीं कर सकते थे, प्रतिबंध था उस समय। इसलिए राहुल जी भिक्षुक का वेश धारण करके यात्रा पर निकले। इस अंश में तिब्बत की यात्रा, तिब्बत की जो राजधानी थी लहाशा, उसके जाने वाले मार्गों का वर्णन यहाँ पर अत्यंत रोचक ढंग से किया गया है। यात्रा वृतांत तत्कालीन तिब्बती समाज की झांकी को प्रस्तुत करने में समर्थ है। मतलब इस पाठ के माध्यम से तिब्बत की जो संस्कृति है, कि
कैसी यात्रा रही होगी उसका संपूर्ण विवरण राहुल सांकृतायन जी ने अपनी इस पाठ के माध्यम से दिया है। वो कहते हैं, हम जिस रास्ते से जा रहे थे वह नेपाल से तिब्बत जाने का रास्ता था। इसी रास्ते में से नेपाल और भारत की चीज़ें जाती थीं। मतलब एक जो रास्ता था जिसमें नेपाल और भारत की वस्तुओं का आदान प्रदान होता था वह उसी रास्ते से जा रहे थे। यही सैनिक रास्ता भी था, इसलिए चीनी सेना के लिए जगह जगह फौज की जो चौकियाँ थी वो बनी हुई थी। अब बचे हुए दुर्ग के भागों में किसान रह रहे थे। जो दुर्ग थे, जो किले थे छोटे छोटे, उन पर किसान रह रहे थे। तिब्बत कष्ट तो है ही, तिब्बत में मतलब कष्ट तो है ही, साथ ही साथ सुविधाएं भी हैं। वहाँ जाति पाति और छुआछूत नहीं है, मतलब छुआछूत की जो बात होती है वहाँ पर नहीं थी, ना कोई पर्दा प्रथा थी। भिखमंगों को छोड़कर कोई भी घर के अंदर जाकर चाय बनाकर पी सकता था। मतलब वहाँ पर इतनी स्वतंत्रता थी कि भिखमंगों को छोड़कर ही वहाँ पर कोई भी चला जाता दुकान पर, चाय बनाकर अपने हाथ से पी सकता था। जब भी उस चीनी किले से चले तो राहमदीर मांगी गई, मतलब उनसे एक टैक्स मांगा गया, एक कर मांगा गया जिसे राहमदीर कहते हैं। उन्होंने दो चिटें दे दी। अब उन चिटों का जो मतलब था कि यहाँ पर टैक्स चुका दिया गया है। उसी दिन वे आखिरी समय गांव में पहुँच कर ठहर जाते हैं। 5 वर्ष पूर्व भद्र पुरुष मतलब सज्जन पुरुष आदमी की तरह उन्हें रास्ते पर आए थे। पहले तो वह भिखमंग के वेश में आते हैं, परंतु 5 वर्ष के पश्चात वह एक सज्जन पुरुष के भांति रास्ते से आते हैं। इस बार वह आराम से ठहरे, क्योंकि प्रथम बार जब वो आए थे तो भिखमंगे के वेश में कोई भी व्यक्ति को अंदर नहीं आने देता है, परंतु इस बार वह सज्जन पुरुष के वेश में आए इसलिए उन्हें कोई कष्ट नहीं हुआ। अब जहाँ पर वह ठहरे थे उस टीले को पार करना था, क्योंकि वह टीला बहुत ऊंचा था। 16-17 हज़ार फीट ऊंचे जो टीले थे उसकी ऊंचाई 16-17 हज़ार थी। मीलों तक गांव नहीं होते थे, दूर दूर तक कोई गांव नहीं था। यहां पर यदि कोई चोरी हो जाए, डकैती हो जाए या डाकू खून कर दे तो पता नहीं चलता था कि क्या हो गया। रास्ते इतने दुर्गम थे, ऊंचे नीचे रास्ते थे कि व्यक्ति को पता नहीं चलता था कि कहाँ कौन व्यक्ति चल रहा है। अब खुफिया विभाग जो था खोज पुलिस पर व्यय नहीं करती थी, वहाँ की पुलिस जो थी खुफिया विभाग पर व्यय नहीं करती थी, अर्थात खर्च नहीं करती थी। वहाँ गवाह भी ना मिले तो भी कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, और भिखमंगे तो जगह जगह पर थे। अब 16-17 मील ऊंचाई पर जाना था, और इसलिए घोड़े कर लिए, क्योंकि उन्हें वो चढ़ाई पर चढ़ना था, इसलिए चल कर जाना सहज नहीं था, इसलिए उन्होंने घोड़े को किराए पर ले लेते हैं। दूसरे दिन भी ढाणे पर जहाँ पहुँचे, ढाणे यहाँ पर एक स्थान है, वह वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वे समुद्र से 18,000 फीट की ऊँचाई पर जो स्थान था वहाँ पर हिमालय के श्वेत शिखर फैले हुए थे, हिमालय के पर्वत श्रृंखलाएँ फैली हुई थीं। टीले की तरफ पहाड़ ऐसा दिखाई देता था जैसे वह बिना वस्त्र के हो, सफ़ेद बिल्कुल दिखाई देता था। वहाँ पर ना बर्फ थी ना हरियाली थी, और उत्तर की जो दिशा थी वहाँ कम बर्फ वाली चोटियाँ थीं। सबसे ऊंचे स्थान पर जिसका नाम था डांडे, उस स्थान पर देवता विराजमान थे, तिब्बतियों के जो देवता थे वो विराजमान थे। वहाँ पर जो पत्थर थे सींगों तथा कपड़े की झाड़ियों से उनको सजाया गया था, क्योंकि ऐसा स्थान लगे कि यहाँ पर कोई देवता है, इसलिए सींगों और पत्थरों से उस स्थान को सजाया गया था। वे समतल थे पर आगे जा रहे थे। मेरा घोड़ा जो था, मतलब राहुल सांकृतायन कह रहे हैं कि मेरा घोड़ा जो था वह धीरे धीरे पिछड़ने लगा। उसके पिछड़ने का कारण था कि वो थक गया था, क्योंकि स्थान बहुत दुर्गम था। मैं पिछड़ गया और रास्ता भटक गया। मैं 4-5 बजे तक गांव पहुंचा। उनको पहुंचते पहुंचते 4-5 बज जाते हैं। सुमति हमारा इंतजार कर रहा था। सुमति जो था वहाँ का एक बौद्ध भिक्षु था जो उनका सहायक बनकर उनके साथ यात्रा कर रहा था। मैंने सुमति को सब बताया, उसका गुस्सा जो था वह ठंडा हो गया।
वह क्यों गुस्सा कर रहा था? क्योंकि घोड़े पिछड़ जाने के कारण वह बहुत आगे चला जाता है और हम लोग पीछे रह जाते हैं, इसलिए वह क्रोध करता है। परंतु जब मैंने स्थिति से अवगत कराया तो वह उसका गुस्सा कुछ शांत हो जाता है। लंकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे। अब एक स्थान और था जिसका नाम था लंकोर। वह उस स्थान पर ठहरते हैं, उन्हें अब अच्छे यजमान मिल जाते हैं, मतलब जो बौद्ध भिक्षु था उसे यजमान मिल जाते हैं। हमें अच्छा खाना व आराम मिला। क्यों मिला? क्योंकि उसके यजमान के यहाँ पर हम ठहरे हुए थे। अब वे तिंगरी के विशाल मैदान में, जो पहाड़ों से घिरा हुआ एक स्थान था तिंगरी, वहाँ पर पहुँच जाते हैं। कुछ दूर पर पहाड़ी तिंगरी समाधि पर एक घिरा हुआ स्थान था। सुमति बोधगया के कपड़े से बत्तियों के जो गंडे बने हुए थे यजमानों को बांटना चाहते थे, परंतु लेखक ने पैसे देने का लालच देकर ठहरने वाले गांव में ही गंडे बांटने को राजी कर लिया। लेखक ने कहा कि तुम्हें कुछ पैसे मिलेंगे, इसलिए यहीं पर ये धागे को बांध दो, यहीं पर बांट दो। दूसरे दिन वे पैदल ही चल दिए। शेखर विहार में पहुंचने पर जो मुखिया भिक्षु था उन्हें वह प्रेम से बिठाते हैं। वहाँ पास में ही एक मंदिर था, वहाँ बुद्ध वचन चल रहे थे, प्रवचन चल रहे थे भगवान बुद्ध के। अनुवाद की जो हस्तलिपि थी अर्थात पोथियाँ, पुस्तकें रखी हुई थीं, वे उन्हीं में रम गए। उनने देखा कि यहाँ पर अनुवाद की पुस्तकें रखी हुई हैं, वह उनको पढ़ने लगे। सुमति अपने यजमानों से मिलने चले जाते हैं। दूसरे दिन उन्होंने अपना सामान उठाया और भिक्षुओं से विदाई ली। इस तरीके इस पाठ का अंत होता है। तो देखा आपने यहाँ पर तिंगरी के आगे चलने के बाद लहासा की जो यात्रा थी कितनी दुर्गम थी और कितनी कष्टपूर्ण थी, जिस प्रकार तिब्बत के लोग जीवन यापन करते थे। तो आज हमारा ये पाठ है ये पूर्ण हुआ। धन्यवाद।